राधे राधे। आज का ये वीडियो मैं खासकर उन लोगों के लिए ही स्पेशल बनाना चाहता हूँ जिनको ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद तुरंत उनको जॉब यहाँ पे मिल जाएगी और अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 65 to 75% जॉब अच्छी नहीं होती, बहुत हार्ड जॉब होती है। लेकिन यहाँ पे जॉब करते करते लोग उस जॉब की इतनी आदी हो जाते हैं कि उनको जॉब वो इजी लगने लगती है। चलो अभी मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। जब मैं इंडिया में था तो मुझसे बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे कि उनका कोई फ्रेंड था, वो वहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे गया या फिर पार्टनर वीजा पे गया, उसको जाते वहाँ पे जॉब लग गई और वो डॉलर मतलब डॉलर वहाँ पे छापने ही लगा और पूरा भर भर के पेटी मतलब जो भी होते हैं पेटी या खोखा उसने इंडिया भेजा और यहाँ पे उसने ये बना लिया वो बना लिया, अभी वहाँ पे आराम से सेट है। सो ऐसी कहानियाँ हैं। यहाँ पर जब मैं आया तो मैंने देखा ये चीजें हैं। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसे काम अचानक करने को मिल जाए जैसा अभी मैं आपको डेमो में बताने वाला हूँ। एक्चुअली मैं अपने ऑफिस से आ रहा था घर, तो रास्ते में एक मैंने काम करते हुए देखा कुछ लोगों को। उसमें से मैंने एक को देखा कि वो तो था शायद यूरोपियन, बट एक दूसरा बंदा था वो अपना देसी बंदा लग रहा था। देसी मतलब जैसे मेरी स्किन है उसी टाइप की उसकी स्किन थी, तो शायद होगा देसी अपना इंडिया या फिर इंडिया के आजू बाजू का। और अभी जो मैं आपको एक वीडियो यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, अगर वो काम आप अपने कंट्री में करो मतलब इंडिया में करो तो आप क्या आपके घर वाले भी वो काम करने को आपको मना कर दे, और जब आप यहाँ पे आओ और आपको कोई जॉब ना मिले और अचानक वो जॉब मिले तो वो भी आपको काम करना पड़ेगा। सो पहले वो आप वीडियो देख लो, उसके बाद आप सोचना कि आप कि अगर अचानक यहाँ पे आए और अगले दिन आपको वो जॉब मिल गई तो क्या आप आपसे वो काम हो पाएगा। चलो दिखाता हूँ मैं वीडियो। सो ये देखो यहाँ पे 2 पर्सन है जो बिल्डिंग के कांच और कांच के दरवाजे खिड़कियां वगैरह सब साफ कर रहे हैं और मोटी रस्सी से लटके हुए हैं। हालांकि यहाँ पे पूरी सेफ्टी दी जाती है, शूज हो या फिर सर के ऊपर हेलमेट हो और भी इक्विपमेंट होते हैं, और उनके पास एक मतलब वॉकी टॉकी भी होता है कि अगर अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो जो ऊपर में ऑपरेटर उनको कंट्रोल कर रहा है उनको वो इन्फॉर्म कर पाए। बट ये काम आपसे हो पाएगा। अभी मैं आपको थोड़ा और अच्छी तरह से दिखाता हूँ कि ये बिल्डिंग बहुत बड़ी है और इसको तो मैं जूम करके ले रहा हूँ तो शायद आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप मेरी जगह पे खड़े होकर देखते उस टाइम पे तो मैं सही बता रहा हूँ ये काम मुझसे तो नहीं होता। भले मुझे 6 महीने में भी जॉब मिले या ना मिले लेकिन ये काम तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाता, क्योंकि ये काम करने के लिए पहले चाहिए जिगरा। सो इस वीडियो में आपको एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि यहाँ पे लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को सेट करने के लिए, और सेट हो जाने के बाद फिर उनकी लाइफ इजी हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको मेंटली और फिजिकली बहुत यहाँ पे प्रिपेयर होके आना पड़ता है, और खासकर कि जो यहाँ पे बैचलर होते हैं उनको तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ तो मतलब इतने नाकारा होते हैं कि उनको मैगी बनाने भी नहीं आती, और तो और मैगी भी छोड़ो उनको गैस पे पानी गर्म करना भी नहीं आता। वो सब मैंने खुद देखा है, मीन्स मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखे जो यहाँ पे आए हैं और आते ही उन्होंने अपनी डिमांड स्टार्ट कर दी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। सही बोल रहा हूँ, उनकी डिमांड ना सिर्फ 2 वीक तक चली, 2 वीक के बाद वो अपने लाइन पे आ गए कि यहाँ पे उनको पानी गर्म करना हो या मैगी बनाना हो या फिर अपना ट्रांसपोर्ट का काम करना हो या फिर कोई भी ऑफिस वर्क करना हो या फिर कुछ भी स्टडी करना है जॉब करना खुद से ही करना पड़ेगा। और जो नहीं कर पाए वो 2 महीने में 6 महीने में 3 महीने में वापस इंडिया चले गए। और ये वीडियो देखकर अगर आपको ऐसा लगता है कि इतना हार्ड नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद और थोड़ा सपोर्ट मिलने के बाद ये आप काम कर सकते हो तो अच्छा है आपके लिए। लेकिन अगर आपको ये वीडियो देखकर भी थोड़ा सा भी डर नहीं लगा तो आपको एक दूसरा वीडियो दिखाता हूँ। सेम काम हो रहा है लेकिन ये वीडियो देखकर तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं तो जिंदगी में वो काम किया वहां पे खड़े होकर उसको कुछ हेल्प भी नहीं कर पाऊंगा। सो अभी आप वो वीडियो देखो। ये देखो ये बंदा ब्रिस्बेन की सबसे बड़ी बिल्डिंग में ग्लास की मतलब ग्लास विंडो की सफाई कर रहा है और ये अकेला है, कोई इसको सपोर्ट करने वाला भी नहीं। हाँ हालांकि उसको एक्सपीरियंस होगा और इसके पास लाइसेंस होगा और इसने ट्रेनिंग अच्छी ली होगी तो अच्छी बात है, लेकिन आप ये बिल्डिंग देखो।
ये बिल्डिंग ब्रिस्बेन की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, नाम है इसका मैरिटोन। और यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि जब इस टाइप के काम होते हैं तो इस टाइप के काम करने वालों को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, अच्छी तरह से इक्विपमेंट इनकी टेस्टिंग होती है, उसके बाद ही इनको मतलब फील्ड में उतारा जाता है। बट आप कितने भी इक्विपमेंट चेक कर लो, कितना भी उनको सेफ्टी आप दे दो और कितने भी उनको पैसे दे दो वगैरह वगैरह, लेकिन काम करने के लिए पहले चाहिए जिगरा जो यहाँ से आता है, जो एक नॉर्मल पीपल में तो बिल्कुल नहीं होता, खासकर हमारे जैसे लोगों में। हाँ, भले आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो वीडियो ये देखेंगे और ऐसा बोलेंगे कि मैं तो कर लूँगा, तो आप बहुत हिम्मत वाले हो। सो स्टोरी यहाँ की ऐसी ही है, और ये आपको मैंने एक छोटा सा वीडियो दिखाया सिर्फ ये बताने के लिए कि यहाँ पे हर टाइप की जॉब इजी नहीं होती। हाँ, लेकिन इस टाइप की जॉब में डॉलर बहुत मिलते हैं। जो आप सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो फिर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।